राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं। अशोक गहलोत आने वाले दिनों में कांग्रेस के सदर ओहदे के लिए पर्चा दाखिल कर सकते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने से पहले अशोक गहलोत को सीएम ओहदा छोड़ना होगा। आज शाम को राजस्थान कांग्रेस की अराकीन असेंबली की मीटिंग होने वाली है, जिसमें अशोक गहलोत की जगह नए सीएम के नाम पर मोहर लग सकती है। जराय के मुताबिक नए सीएम के साथ दो डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। जाहिर है जाति को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा। आज शाम की मीटिंग के लिए कांग्रेस लीडरान का जयपुर आने का सिलसिला जारी है। राजस्थान में सीएम ओहदे की रेस में सबसे आगे सचिन पायलट माने जा रहे हैं, लेकिन जराय की माने तो सचिन के नाम पर गहलोत तैयार नहीं है। ऐसे में कई और नाम हैं जो सीएम की रेस में आगे हैं। सचिन पायलट के सीएम की रेस में सबसे आगे होने के अलावा कुछ और चेहरों पर भी चर्चा चल रही है। पायलट के अलावा असेंबली के स्पीकर सीपी जोशी भी बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। 2008 के इंतखाबात में महज एक वोट से हार की वजह से सीएम बनते बनते रह गए सीपी जोशी को गहलोत की भी हिमायत हासिल है। ब्राह्मणों की मुबैया नाराजगी दूर करने को लेकर पार्टी उन्हें आगे कर सकती है। सीपी जोशी चार बार मरकजी वजीर रह चुके हैं, उन्हें राहुल गांधी की हिमायत भी हासिल है। जोशी ने सियासी बहरान के वक्त गहलोत की सरकार को बचाने में अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा गहलोत के बेटे वैभव को आरसीए पर काबिज होने में भी मदद की थी। सीपी जोशी के अलावा बीडी कल्ला का नाम भी चर्चा में है, जो ब्राह्मणों के जाने माने लीडर हैं। उनका लंबा तजुर्बा उनको एक हालांकि अराकीन असेंबली पर उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि गहलोत उनको आगे करके पर्दे के पीछे से रिमोट अपने हाथ में रख सकते हैं। जबकि तीसरे दावेदार के तौर पर राजस्थान के रियासती सदर गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी चल रहा है। जाट तबके से आने वाले गोविंद को सीएम बनाकर पार्टी जाटों को साथ कर सकती है। राजस्थान में 11 लोकसभा सीटों पर जाट अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसे में 2024 में पार्टी को ज्यादा फायदा हो सकता है। सियासी जानकारों का ये मानना है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब खुद गहलोत सचिन पायलट का नाम आगे कर देंगे। इससे बीजेपी गहलोत और पायलट के बीच की दूरी का फायदा नहीं उठा पाएगी। मुबैया तौर पर नाराज पायलट खेमे के लोगों की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। सरकार के खिलाफ आम लोगों की जो नाराजगी या एंटी इनकम्बेंसी है, वो सचिन पायलट जैसे नौजवान चेहरे के आगे कम पड़ सकती है। वैसे कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा कि राजस्थान के सीएम की रेस आखिर कौन जीत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।